मेरठ से अगली खबर, क्रिकेटर प्रवीण कुमार हादसे का शिकार हुआ है। कैंटर ने प्रवीण की गाड़ी में टक्कर मारी है। टक्कर लगने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। कैंटर ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है और ड्राइवर के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। क्रिकेटर प्रवीण कुमार हादसे का शिकार हुआ है। नितिन अग्रवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, पूरी खबर विस्तार से बताइए। पुलिस ने ड्राइवर पकड़ लिया है लेकिन एफआईआर उस पर दर्ज की है और क्या अपडेट मिल पाई है अभी? देखिए, देर रात का मामला है जब प्रवीण कुमार और उनका बेटा अपनी कार से पांडव नगर की तरफ जा रहे थे अपने घर से, तभी कमिश्नर आवास भाई के पास एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि दोनों सुरक्षित हैं। भीड़ ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला, वहीं कैंटर चालक को भी पकड़ लिया गया और जिसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब प्रवीण कुमार ने आज सुबह एफआईआर दर्ज करा दी है और मामले में अब पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है कि हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही थी और किन कारणों से कैंटर चालक ने इस टक्कर मार दी। तो तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है। वहीं प्रवीण कुमार और उनका बेटा सुरक्षित है अपने पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निखिल अग्रवाल आपका। तो सुरक्षित है क्रिकेटर प्रवीण कुमार और उनका बेटा जो हादसे का शिकार हुए थे। कैंटर ने प्रवीण की गाड़ी में टक्कर मारी थी और जिससे वो हादसे का शिकार हुए थे। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।